नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिनेश कार्तिक, ये नाम आज हर किसी की जुबान पर चढ़ चुका है। वजह है बढ़ती उम्र में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जी हाँ, एक समय जिस कार्तिक को कोई भी टीम में शामिल करना नहीं चाहता था, आज उसी कार्तिक ने अपने प्रदर्शन से बड़े बड़े दिग्गजों को अपने आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। पूर्व तेज गेंदबाज नेहरा जी से लेकर गवास्कर तक कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अब कार्तिक की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। नेहरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जानता है पारी को कैसे संभालना है। उन्होंने कहा, किसी सीनियर प्लेयर के लिए ऐसा कमबैक करना कभी आसान नहीं होता। उन्होंने सीरीज में अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो एक बड़ी पारी की तलाश में थे, जबकि वो अच्छा कर रहे हैं। उन्हें चौथा मुकाबले में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए और अर्ध शतक बनाते हुए देखकर अच्छा लगा। आप एक अनुभवी खिलाड़ी से यही उम्मीद करते हैं, नेहरा जी ने आगे कहा। कार्तिक को फिनिशर के रूप में चुना गया था, लेकिन वो ये भी बखूबी जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर पारी को कैसे संभाला जाता है। टीम मैनेजमेंट उनके प्रदर्शन से जरूर बहुत खुश होगा। पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने भी दिनेश की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, जब कार्तिक बैटिंग कर रहे थे तब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ठीक नहीं थी, लेकिन उनके जैसे प्लेयर का रुतबा विपक्ष को ऐसी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। गेंदबाज से ज्यादा वो फील्ड के हिसाब से खेल रहे थे। जब स्क्वायर लेग और फाइन लेग सर्कल में थे तो वो शुरू से ही उनके ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक की ये पारी इतनी शानदार थी कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी उनके मुरीद हो गए। सहवाग और रैना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की शानदार पारी की तारीफ की। सहवाग ने शानदार प्रदर्शन के लिए कार्तिक और आवेश दोनों की सराहना की। सहवाग ने डीके की तारीफ करते हुए मजेदार मीम भी शेयर किया। सुनील गवास्कर ने राजकोट T20 के बाद दो टूक बात करते हुए कहा, आप दिनेश कार्तिक की उम्र मत देखो, बल्कि उनका खेल देखो, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने टीम इंडिया को दबाव से बाहर निकालते हुए रन बनाए हैं। वो फिर से भारत के लिए खेलने को बेताब है। अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है और मुझे लगता है कि वो इसके लिए भी उपलब्ध रहना चाहेंगे। कुछ भी हो, किसी की उम्र नहीं, प्रदर्शन देखा जाना चाहिए। लिटिल मास्टर ने आगे कहा कि दिनेश कार्तिक को ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। वो नंबर 6 और 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। आप उनसे लगातार 50 रन बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। वो आपको 20 गेंदों में 40 रन बनाकर दे सकते हैं और वो ये काम लगातार कर रहे हैं। यही कारण है कि वो विश्व कप टीम में जगह पाने के दावेदार हैं। मोहम्मद कैफ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए लिखा, एक मांगो दो मिल गए, हार्दिक और कार्तिक आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वैसे जिस तरह की फॉर्म में ये दोनों खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह डिजर्व करते हैं। आपको बता दें, कार्तिक ने IPL 2022 में शानदार प्रदर्शन किया था। कार्तिक ने 330 रन 183 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, इसलिए उन्हें IPL 2022 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।